13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजों अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह राजी हो आपसे। चलो अब जल्दी करो। तुम लोगों को अपनाया हमने, मगर अब मेरा सब्र तमाम हो चुका। वो आज या कल हर हाल में यहां वापस लाए जाएंगे। क्या बात है, तो फिर ढूंढ ले उन्हें। उम्मीद करता हूं कि तुम इस मामले में मुलविस नहीं होगी हायमा। अब्दुल रहमान, ये तुम क्या बनकर आए हो अब्दुल रहमान भाई? पूरी औरत लग रहे हो। वो अपने आप को खतरों और मुश्किलात से दूर रख ही नहीं सकता है। अगर ये काम उसका है तो फिर उसने अपने बाबा का और काई कबीले की आबरू का बेहतरीन इंतफा किया है। आयतोलन खातून ने खाने पर मधु किया है, कुछ बात करना चाहती है वो। हायमा खानम पूछे तो बता दीजिएगा। इतनी रात गए वो औरत तुमसे आखिर क्या बात करना चाहती है? मैं सिर्फ कुछ देर के लिए सुकून चाहती हूँ बाजी, सिर्फ कुछ देर के लिए। आपसे, हलीमा से दूरी चाहती हूं मैं। छोड़ सकती है कुछ देर अकेला मुझे? वो औरत कितनी खतरनाक है गोकचे नहीं जानती। वो हमारी कमजोरियों से फायदा उठाना चाहती है। आखिर हमसे आयतुल खातून चाहते क्या है सलजा? मैं इस बात का खोज जरूर लगा कर रहूंगी। मैं उसको एक के बाद एक अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी हलीमा। शरबत अंगूर तो शीरी से तल्ख हो गया है आयतुलन। क्या इस शरबत को ना पीने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ये तो आपको हर हाल में पीना होगा ताकि आप अपने दुश्मन पर भरपूर हमला कर सकें। इस उम्र में ऐद शबाब याद दिला दिया। अब देखता दुश्मन पर कैसे हमलावर होता हूँ। मेहमान पहुंच गए हैं। शब खैर मामू जान, क्या बैठ सकती हूँ मैं? खुश आमदीद बेटी, आओ बैठो हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, तुम रहने दो, अपना काम करो। दुमरुल, मेरे हाथ धुलाना जरा। मुझे कल मवेशियों की मुकम्मल तफसीलात चाहिए दुमरुल, बड़े छोटे सारे मवेशी। समझ गया सरदार। बाहर में पैदा होने वाले मवेशी अलग शुमार किए जाएं। उन मवेशियों को बेचने के लिए यह वक्त सही नहीं। जंग के बाद मवेशियों की तादाद बढ़ाने के लिए हमें उनकी जरूरत होगी। सुन लिया तुमने? जी सुन लिया सरदार। ये लीजिए गुंदोग्दू। शुक्रिया खातून। खाना तैयार है वालिदा। मुसलमान हराम गोश्त नहीं खाते भाई। क्या रे? तेरा शुक्र है कि तूने फिर से हमें एक कर दिया। शुक्र है कि तूने मेरे कबीले को, मेरे खानदान को, मेरी औलाद को जालिम से महफूज रखा। हमारे दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर रखना। एक जमाना था जब हमारा पूरा खानदान दस्तरखान पे बैठता था। इंशाल्लाह वो दिन जल्द वापस आएंगे। इंशाल्लाह। हलीमा नहीं आई खाने पे? कह रही थी उसे ख्वाहिश नहीं है, सो गई है। और गोकचे कहाँ है? आयतोलन ने उसे खाने पे मदऊ किया है। वो उनके औताक गई है। दस्तरखान पे अगर पूरा खानदान जमा नहीं हो सकता तो वो खानदान और कबीला मुत्तहद पे नहीं रह सकता, ना ही मैं अच्छी माँ बन सकी और ना ही अपने कबीले को मुत्तहद रख सकी। ऐसा क्यों कह रही है वालिदा? मैं वही कह रही हूँ जो हकीकत है सिलजान। क्योंकि अगर लोगों में यहाँ इत्तेहाद नहीं तो कहीं भी नहीं हो सकता। मेरा पूरा खानदान बिखर चुका है। खाना जायकेदार बना है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा गोकचे। कुछ दिनों से मैं गोकचे सब ठीक तो है? हमारी कोई बात बुरी लगी है? नहीं नहीं, इतने दिन बाद पुरसुकून माहौल में खाना खाने का मौका मिला है। जिन हालात से तुम गुजर रही हो वो आसान नहीं है गोकचे। और उस पर तुम्हारा भाई अर्तुरुल तुम लोगों को और मुश्किलात से दोचार कर गया। हायमा खानम ने उसे कबीला बदर करके हम सब के हक में बहुत बेहतर फैसला किया है। तुम क्या कहती हो गोकचे? दुरुस्त कहा आपने। इंशाल्लाह वो मजीद मुश्किलें पैदा नहीं करेंगे। कबाइल ने हमेशा मुश्किल और सख्त हालात से निकलने की राह ढूंढ निकाली है। अल्लाह का शुक्र है कि इस मुश्किल वक्त में दोनों कबाइल मुत्तहिद हैं। हमें इस नेमत के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। कबीले का इत्तेहाद अर्तुरुल का मोहताज नहीं है मामू जान। हमें ये इत्तेहाद काई कबीले और दो दुर्गा कबीले की नस्लों और रिवायात के माबैन मजबूत करना होगा ताकि कोई दोबारा हमारे सामने सर ना उठा सके। खाना तैयार है भाई। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कैसा बना भाई? क्या बनाया है तुमने ये तुर्गुत? हलीमा सुल्तान से अच्छा बना लेते हो खाना। संभल के भाई, हलीमा सुल्तान ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। एक बात तो है तुर्गुत भाई, आयकिस बहन ने आपको बहुत उम्दा खाना बनाना सिखाया। बैठ जाओ तुर्गत। बैठो और खाना खाओ। आइकस मरी नहीं है मेरे भाई तुर्गुत, वो जिंदा है, शहादत नसीब हुई है उसे। जानता हूं भाई, जानता हूं। जानते हो अगर तो अफसरदा क्यों हो, जानते हो तो कर्ब में क्यों हो तुम? इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा जब तुम शहीद होगे और उससे मुलाकात करोगे। इंशाअल्लाह। सही कहते हैं आप, सही कहते हैं। इस कर्ब को निकाल फेंकूंगा मैं। क्या सूरत हाल है कबीले की? उन्होंने इल्जाम आप पर लगाया है। हाँ तो ठीक लगा है। इसलिए खामोश रहा मैं। हमने यह अहद किया था कि हम अपनी माँ, अपने प्यारों और अपने सरदारों को फरामोश कर देंगे। अब वो वक्त आ गया है कि हम उस अहद की पासदारी करें। सरदार कोरकुत का कबीला भी मुश्किल में है। मामू अपनी दूरंदेशी खो चुके हैं। तूतकीन हर फैसला जज्बाती होकर करता है। गोकचे के इश्क में मुब्तला हो चुका है। वहां अगर किसी की निगाह तेज है तो वो आयतोलन खातून है। हर मुसीबत की जड़ वही फितना औरत है। वो सब ये समझते हैं कि अर्तुरुल अगर नोयान के पीछे है तो उसे इनकी कार्रवाइयों का इल्म नहीं, लेकिन मुझे सब मालूम है, सब कुछ। आयतोलन खातून एक तरफ तो मेरे भाई गुंदोगदू को अपने तरफदार बनाना चाहती हैं और दूसरी जानिब तूतकीन और गोकचे का निकाह करवाना चाहती हैं। वो इन दोनों की शादी क्यों करवाना चाहती हैं? गोकचे खातून तो मां भी नहीं बन सकती। आयतोलन खातून अगर तो वाकिफ हैं इस राज से तो फिर इस रिश्ते में जरूर कोई साजिश है। बहुत जल्द पता चल जाएगा। और आइंदा से किसी ने भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उस शख्स के सर पर आसमान ढा देंगे हम। अब इजाजत दीजिए, मुझे काफी देर हो गई है। आती रहा करो बेटी। मुझे अल्लाह ने कोई बेटी तो नहीं दी है, मगर तुम बेटी बनकर यहाँ हमारे पास आ जाओ और हमारे लिए शादमानी का बायस बनो। बहुत शुक्रिया आपका। आओ मैं तुम्हें खेमे तक छोड़ दूं। ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटी। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हर लड़की तूतकीन जैसे बहादुर से शादी करना चाहती है। ये दोनों अर्ज़रूम के सफर से वापस आ जाएं, फिर देखते हैं। मगर तुम इन दोनों के रिश्ते के लिए इतनी बेचैन क्यों हो आयतुलन? दोनों कबीलों के दरमियान बढ़ते मसाइल इन दोनों बच्चों का निकाह हो जाने से हल हो जाएंगे। काय कबीले के लोगों का भी एतमाद ये जानकर बहाल हो जाएगा कि कोरकुत का बेटा तूतकीन अब हमारे ही कबीले का एक फर्द है। सलाम है तुम्हारी जहानत को। जाड़ा बहुत सख्त होता है यहाँ। मौसम सरमा की तैयारी जल्द मुकम्मल करना होगी। ये तुम क्या कर रही हो गोकचे? तुम जानती हो हमेशा तुम्हें छोटी बहनों की तरह समझा है मैंने। आखिर क्यों इस रिश्ते को तबाह करना चाहती हो तुम? और जो तुम चाहती हो वो जगह कैसे अपने दिल में दे सकता हूँ मैं तुम्हें? गोकचे क्या क्या सोच रही हो तुम? इंसान जब मोहब्बत करने वालों के बीच रहता है तो कोई मायने नहीं रखती मौसम की शिद्दत। अस्सलामु अलैकुम पुप्पी जान। जीते रहो तूतकीन। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आज कोरकुत भाई की तरफ खाने पे मदू हो? बाजी को बता कर गई थी मैं वालिदा। अगली बार मुझे भी बता के जाना। लगता है कोरकुत भाई का खानदान तुम्हें बड़ी अहमियत देता है। शब्बा खैर सरदार। शब्बा खैर। काई कबीले के सिपाही बहुत परेशान और फिक्रमंद हैं, सुना होगा तुमने। अर्तुरुल के जाने के बाद वो और ज्यादा बेचैन हो गए हैं। जानता हूँ पपीजा, जानता हूँ। किसी भी कबीले के सिपाहियों ने इतनी जंगें नहीं लड़ी जितनी इन्होंने लड़ी हैं। हर जंग में दुश्मन का जवां मर्दी से मुकाबला किया है इन लोगों ने। अर्तुरुल को जिला वतन करके मैंने अपने सिपाहियों की किस्मत का फैसला मैदान जंग में तुम्हारे हाथों में दे दिया है। उन्हें कभी मायूस मत करना। अर्तुरुल भाई के जाने के बाद अब मजीद किसी मुश्किल का इम्कान नहीं, और बहुत जल्द अपने दरमियान गद्दारों का भी पता लगा लेंगे हम। फूफी जान, ना मैं आपको ना सिपाहियों को अफसरदा करने का ख्वाहिशमंद हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसा ही करोगे। शब खैर फूफी जान। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया सलजान। आप मेरे शौहर हैं, जो जी में आई कीजिए। हरगिज तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था मुझे। मुझे तुम्हें और अपने आप को इस सूरत हाल में मुब्तला नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये आपका फैसला है कि मुझे अपने फैसले का पाबंद रखें, मगर फैसला आपका अपना होना चाहिए। मैं ये कभी नहीं भुला सकता कि किस तरह तुमने माजी में मुझे और कबीले को रुसवा किया। जब भी भुलाना चाहो तो तुम कुछ ऐसा कर देती हो कि ये जख्म ताजा हो जाते हैं। और तुम्हारे ये खामखा के वसवसे, मामू जान के बारे में, तूतकीन के बारे में और आयतुलन पर तुम्हारा बेसबब गुस्सा। बेसबब नहीं है गुंदोग्दू, आपका दिल बहुत शफाफ है। आप वो सब कुछ नहीं देख सकते जो मुझे दिख रहा है। आप मुंतजर रहे कि वो आपके कबीले के लोगों की तकदीर का तयन करें। खुद इदराक नहीं हुआ। या अल्लाह सब्र दे मुझे। अब आपके लिए मेरा वजूद, मेरी ये चलती हुई सांसें, मेरे वजूद की हिद्दत, सब कुछ आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है ना गुंदोग्दू। अपने अंदर के शैतान को काबू में रखो सलजान, ताकि आइंदा कबीले के लिए कोई नई मुश्किल न खड़ी कर दो तुम। अगर अब तुम्हारी वजह से कोई मुसीबत आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे। अपनी मंजिल के खो जाने से खौफजदा हूं। तुम्हारी मंजिल का राज तुम्हें दी गई अमानत में मख्फी है फरसंद। अमानत पुकार रही है मुझे। गौर से सुनो सब। नौयान का असल मकसद इस इलाके को जानना है। मंगोलों की फौज के पहुंचने से पहले उसे यह सब करना है। वो खौफजदा करना चाहता है अपने हमलों से हमें, और इसके लिए हमें होशियार करना होगा कबीले को। तुर्गुत, दोहन, तुम दोनों वापस कबीले जाओगे और कबीले पहुंचकर आर्तुक भाई और देली दमीर से राब्ते में रहना। बहुत मोहतात रहना, खास तौर पर तूतकीन और उसके साथियों की तरफ से। बेहतर होगा कि राजदारी से जाओ या दाखिल होने के लिए कोई वजह तलाश करो। जो आपका हुक्म भाई, इंशाअल्लाह कोई ना कोई राह निकाल लेंगे। एक बार कबीले पहुंच जाओ तो हर शख्स को शक के इम्कान से परखना। हर फर्द मुश्तबा है। लेकिन मुझे तूतकीन के सिपाही को जाबाज पे शक है भाई। तो ठीक है फिर, उसके अलावा भी अगर कोई मशकूक लगे तो उस शख्स पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना, खुद को मुश्किलों से बचाकर। बस एक बार गद्दार हाथ आ जाए तो नौयान को मजा चखा देंगे। और मैं, मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम वापस कबीले नहीं जा सकते किसी सूरत, लेकिन मैं तुम्हें जहां भेज रहा हूं वो जहन्नुम है अब्दुल रहमान। ये काम बहुत हिम्मत का है, गलती की गुंजाइश नहीं। अगर तुमने गलती की तो हम तुम्हें देख नहीं पाएंगे दोबारा। इस मकसद के लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। अल्लाह मेरा मददगार होगा भाई, इंशाल्लाह। हमजा का जहन बदलने की कोशिश करना, मुमकिन है उसका सियाह दिल ईमान की रोशनी से फिर भर जाए। कोई भी खबर भेजने में उजलत मत करना। नौयान पहले परखेगा तुम्हें, उसका एतमाद लाजमी हासिल करना है। आप कहाँ जाएंगे भाई? मैं अपनी अमानत लेने जाऊंगा। वक्त आ गया है कि जिहाद करें हम। वक्त आ गया है कि दुश्मनों के सर उनके तन से जुदा कर दें। चलो भाइयों, मैदान अमल में कूद पड़ो। दुआएं चाहिए तुम्हारी। सारी दुआएं आपके लिए भाई। फतह हमारी है भाई। कामयाबी कदम चूमे भाई। मेरी दुआ है कि इस सफर में अल्लाह हम सबका मददगार हो। के फरार होने से वो पागल हो गया है। कहीं तुम्हारे टुकड़े करके भेड़ियों को ना खिला दे। फिक्र की बात नहीं, सरदार नौयान को कैसे खुश करना है ये मैं जानता हूं। सरदार नौयान, सरदार नौयान, हाजिर खिदमत हूं मैं। बाज़ंतीन तक सारे इलाकों पर हमारी हुक्मरानी होगी। अफरासियाब, अर्ज़रूम, मलाटिया, कोन्या, अलाए, सब के सब। क्या तुम इन शहरों की तिजारत में अपने हिस्से के ख्वाहिशमंद हो? एक ताजिर हूं मैं, यकीनन ख्वाहिशमंद हूं। अफरासियाब को फायदा चाहिए। तुम्हें तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा नवाजा जाएगा, मगर पहले कुछ मामला तय पा जाए तो मुनासिब है। अफरासियाब, हमें काई और दुर्गा कबीलों को जुल्म और बर्बरियत से वो सबक सिखाना है जो सारी जिंदगी याद रहे, क्योंकि अर्तुरुल हमारे जाल से फरार हो चुका है और उसे हम ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि अब वो हमें ढूंढेगा और फिर वो मुझसे अपनी मौत के लिए भीख मांगेगा। आपका हुक्म सर आंखों पे सरदार नौयान। ओयदे का लश्कर यहां पहुंचने तक हमें इन लोगों के दिलों पर मंगोलों की दहशत बिठानी है। एक एक लुकमे के लिए मोहताज कर देंगे इन्हें। पहले लालच देंगे इन्हें दौलत का, उसके बाद एक एक करके हलाक कर देंगे। ना तो कोई सिपाही बचेगा और ना जानवर जिंदा रहेगा। आपका ये खादिम बहुत महारत रखता है, आपको मायूस हरगिज नहीं करेगा। तो फिर तैयारी करो तुम। मेरे सिपाही तुम्हारे साथ होंगे जब तक तुम उनकी सरहद तक नहीं पहुंच जाते। हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका उनका। आज भी जाना है उनके पीछे। हर कोना तलाश करना होगा कोजाबाश, और नजर आ जाने पर उनका पीछा नहीं छोड़ना, समझ गए? जैसा आपका हुक्म सरदार। अगर वो हाथ आ जाए तो किसी पर रहम नहीं करना। उन्हें मजीद मुश्किलात खड़ी करने नहीं दे सकते। हमारे खेमे में हर तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के साथ दस्तरखान सज जाता है और दस्तरखान सजाना घर की खवातीन का काम है। मेरे लिए शोहर के बगैर हर खाना जहर की मानंद है। यहाँ तक कि खाना तैयार करना भी जुल्म है। इधर देखो मेरी तरफ, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। हलीमा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम समझती हो कि सिर्फ तुम्हारा शोहर तकलीफ उठा रहा है, हाँ? सिर्फ तुम्हें ही दुख पहुंचा है। कितनी ही औरतों के शोहर शहीद हो गए। तुर्गुत ने आयकस का गम सहा, मगर कोई भी तुम्हारी तरह शिकवा नहीं लाया जबान पर। आपने अपने उस बेटे को कबीला बदर किया जो आप पे जान निछावर करता था और उसे मौत के हवाले कर दिया। उसकी माँ ने उसे कबीला बदर नहीं किया, बल्कि काई कबीले की सरदार ने कबीला बदर किया है उसे, हायमा खातून ने। वो सिर्फ तुम्हारा शोहर नहीं है, वो काई कबीले का जांबाज सिपाही अर्तुरुल है। एक सरदार की बीवी होने के नाते तुम्हें यह सब जेब नहीं देता। आइंदा अगर तुमने ऐसी गुस्ताखी की तो याद रखना तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं। क्या बात है, किस बात पर परेशान है सुल्तान खातून? मेरी सिर्फ एक ही परेशानी है आयतुलन, और वो हो तुम किस कदर बीमार जहनियत की मालिक हो। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि तुम्हारे शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी बहन से तुम्हें क्या मतलूब है? क्यों उसे अपने जाल में फंसा रही हो? बताओ मुझे, हाँ बताओ मुझे। हद में रहो अपनी सलजान। मेरे शोहर के कबीले में तुम्हारी हैसियत एक पनागुजीन की सी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे शोहर के खैमे में तुम्हारी औकात है। और तुम एक नागिन हो मेरे मामू के खैमे में, वो नागिन जिसका सर कुचल देना चाहिए। छोड़ दो मुझे। आयतुलन खातून, इसे नहीं पता ये क्या कह रही है, माफ कर दे। छोड़ दो मुझे, आज मैं इसे सबक सिखा के रहूंगी। मैं खुद इसे सबक सिखा दूंगा, आप छोड़ दे, अल्लाह का वास्ता है। ये तुम आखिर क्या कह रहे हो गुंदोगदू? तुम खामोश क्यों नहीं हो जाती सुल्तान? मैं अब मजीद खामोश नहीं रह सकती गुंदोगदू। मैं इस नागिन को किसी भी हाल में अपनी बहन को नस्ते नहीं दूंगी। सलजान, सलजान, चली जाओ यहाँ से। मैं तुमसे खेमे में आके बात करता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। आयतुल खातून, मेरी आपसे एक दरखास्त है, किसी और के सामने इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि कबीलों के दरमियान और रंजिश पैदा हो। किस कदर बीमार औरत है ये। माफ करना ये सब कुछ कहने के लिए, लेकिन ये एक फितना औरत है। सिर्फ कबीले की खातिर मैं इस बात को यहीं तक महदूद रखूंगी, लेकिन इस औरत को अब मुझसे दूर ही रखना, वरना याद रहे अगली बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुमने उस शैतानी आयतुलन को क्या दिया है आखिर? बताओ मुझे। ताकत का शरबत था ना वो? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। वो ताकत का ही शरबत है। कोरकुट जैसे आदमी के लिए क्या ये शरबत जहर कातिल नहीं है? इगिश, उनके लिए ये जहर है सलजान खातून। सलजान, सलजान, कहाँ चली गई ये पागल औरत? तुमने सही कहा था सलजान, तुम नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हो मेरे लिए। तुम्हारा किरदार और तुम्हारा ये वजूद सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है सलजान। बर्बाद कर दिया है तुमने। मंगोलों ने हमला कर दिया था हम पर। इन दोनों ने हमारी जान बचाई है। जिस कबीले में हमारी माँ का राज था, अब उस कबीले में एक नागिन अपना जहरीला फन फैलाए डसने की कोशिश में है हर किसी को। अमानत उसके मालिक के हवाले कर देना।